अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो गाइस, अभी सुबह का टाइम हो रहा है तो सबसे पहले हम फजर की नमाज़ अदा करेंगे और नमाज़ अदा करने के बाद बारिश वाले सीज़न की वीडियो है तो बाहर जो है फजर के टाइम हल्की हल्की सी रोशनी और हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। इस टाइम का जो मौसम है बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, इसलिए मैं थोड़ी देर विंडो पर खड़े होकर बाहर के नज़ारे कर रही थी। और आप लोग टाइम देख सकते हैं 5:46 हो रहे थे इस टाइम। और उसके बाद गूंदना था आटा, तो दिल्ली से आटा गूंदेंगे और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं आटा गूंदने के बाद। यहाँ पे जो है वो आटा गूंद चुका है और फिर अब मुझे जाना है ऑफिस, तो हम दिल्ली से करेंगे ऑफिस की तैयारी। और यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी थी और अपने भाई का वेट कर रही थी। किस किस के भाई जो है उनको बहुत ज़्यादा वेट करवाते हैं, मुझे तो अक्सर भाइयों की वजह से बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। और यहाँ पे भाई आ चुके थे और हम लोग निकल पड़े थे अपने रास्ते पर। और बारिश की वजह से रोडों पे बहुत ज़्यादा पानी और कीचड़, अजीब सा गंदा रोड हो रहा था। आप देख सकते हर जगह आपको छोटे 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 से सीवी मिलेंगे। इसके बाद आप ये देख सकते हैं हर जगह बारिश की वजह से पानी हो रहा था और लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था। इसके बाद भाई ने मुझे स्टॉप पर छोड़ दिया था और मुझे ये पार करके जाना था रोड के। और यहाँ पर हमें वेट करना पड़ा। उसके बाद मैंने जब क्रॉस कर लिया उसके बाद मैं यहाँ पर खड़ी हुई बस का वेट करती हूँ। यहाँ पे जो है कुछ सबील वगैरह लगी थी और फिर काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल के बाद मैं पहुँच चुकी थी अपने ऑफिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग के टाइम पे यहाँ पे इतना सन्नाटा होता है और ऊपर जाते हुए अजीब सा खौफ आ रहा होता है। चलते 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 जाओ, चलते जाओ चलते जाओ और बस चलते ही जाओ। और यहाँ पे जब मैं ऑफिस पहुँची तो मैंने देखा कि अभी तक ऑफिस में कोई नहीं आया हुआ, ऑफिस में लगा हुआ था लॉक। फिर इसलिए मैं थोड़ी सी नीचे की साइड आई और मैं बाहर के नज़ारे करने लगी क्योंकि बारिश की वजह से हर जगह का व्यू जो है बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। और हमारे ऑफिस के सामने ही मस्जिद है, आप लोगों ने अगर ये वाला एरिया देखा होगा तो आप लोगों को आइडिया होगा। और उसके बाद ऑफिस पहुँचेंगे फ़ौरन बाद दोबारा से अगेन बारिश शुरू हो गई थी। ये फिर से आपको बारिश के मनाजिर और सामने आप देख सकते हैं कि कबूतर वगैरह बैठे हैं, वो भी बारिश को एंजॉय करें। उसके बाद चलें भाई 10:30 पे हम अपना करते हैं काम स्टार्ट। इसके बाद यहाँ पे हमारा हो चुका था लंच टाइम, तो लंच में हमने खाई थी बिरयानी और साथ में चाय। और अभी यहाँ पे सफ़र हो जाता है वापसी का शुरू। वापसी में भी बस मौसम बहुत अच्छा था लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। और फिर आप देख सकते हैं ये है कराची का मलेरकोटला स्टेशन जो मुझे रोज़ाना पार करना पड़ता है। यहाँ पे भी आपको सीवी नज़र आएगा और आप सामने देख सकते हैं कि बादलों में छुपी हुई सूरज की क्या खूबसूरत मनाजिर है। अब मुझे ये ब्रिज पार करके जाना है और यहाँ पर मुझे इतना सुकून मिलता है, ठंडी ठंडी हवा, खुली फिज़ा। और यहाँ का जब आप ऊपर से व्यू देखो तो बहुत प्यारा लगता है। हरियाली हरियाली, मुझे हरियाली वैसे पसंद है। और मैं आप लोगों को यहाँ पे चाँद दिखा रही थी कि चाँद निकलना शुरू हो गया। और वापसी में मैंने ली थी अपने लिए कुछ थोड़ी सी चिज्जी और आजकल मुझे ब्राउनी बहुत ज़्यादा पसंद है। और बस यहाँ पे फिर हमने आके खाना बन गया था, खाना वाना खाया। और फिर यहाँ पे हो जाता है मैं ब्लॉग ख़त्म। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।